सीरिया में भूकंप ने अब तक 15,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है, लेकिन एक वीडियो जो सामने आया है वो हैरान करने वाला है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे एक शहर मलबा जैसा दिख रहा है, शहर खंडर जैसे लग रहे हैं और इन खंडरों में हजारों लाशें और हजारों जिंदगी भी दफन है, जिनकी चीखें बाहर राहत कर्मियों को सुनाई दे रही हैं। भूकंप के बाद सैटेलाइट इमेज से दिख रहा है कि यहाँ के कई शहर और इलाके खंडर और मलबे में तब्दील हो गए हैं। कहारन मारस को भूकंप की सबसे ज्यादा मार पड़ी है और यहाँ की कई ऊंची इमारतें जमींदोज हो गई हैं। सैटेलाइट के जरिए ली गई तस्वीरों में यहाँ पर चल रहे राहत कार्यों में मदद के लिए खुले ओपन एरियाज और स्टेडियम में बनाए गए सैकड़ों आपातकालीन आश्रय स्थलों को भी आप देख पाएंगे। भूकंप की वजह से कहारन मारस गांजाटेप के बीच के कई हिस्सों में सबसे ज्यादा तबाही देखी गई, जहां शहर के करीब हर ब्लॉक मलबे में तब्दील हो गए। टर्की ने 7 प्रांतों में करीब 3,000 से अधिक इमारतों के गिरने का अनुमान लगाया, जिसमें कई पब्लिक हॉस्पिटल्स भी शामिल हैं। इस जलजले में 13वीं शताब्दी की एक ऐतिहासिक मस्जिद को भी नुकसान पहुंचा है। टर्की और सीरिया में भूकंप की वजह से मौतों की संख्या बढ़कर अब 15,000 के पार चली गई है। वीडियो में जमीन पर हरियाली दिख रही है और मलबे के बगल में जेसीबी मशीनें। सोचिए जब यहाँ इमारतें रही होंगी तो इलाका कितना सुंदर दिखता होगा। भूकंप ने सब तबाह कर दिया, घर भी और खेत खलियान भी। हरियाली बस नाम के लिए रह गई है। अब यहाँ लोगों की चीखें हैं, बचाव कर्मियों का शोर शराबा और कुछ लोग हैं जो इस उम्मीद में बैठे हैं कि उनका कोई अपना मौत को हरा कर मलबे से बाहर आ जाएगा।